एसबीआई के ग्राहक सेवा केंद्र में खाता धारकों से ठगी, 7.5 लाख को चूना लगाने वाले संचालक समेत 2 गिरफ्तार। गोरखपुर जिले के चौरी चौरा क्षेत्र के ग्राम डुमरी खुर्द में एसबीआई के ग्राहक सेवा केंद्र पर रुपए निकालने आए खाता धारकों के अंगूठे का निशान लेकर उनके खाते से धनराशि निकालने वाले संचालक विनय सिंह व उसके साथी रामपुर निवासी सत्यपाल पाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दोनों ने 15 से अधिक लोगों के खाते से कुल 7,35,000 रुपए निकाले थे। दोनों आरोपित सर्वर समस्या का झांसा देकर लोगों को वापस कर देते थे। ग्राम चौरी टोला सुबनी की परमी ने जब बैंक जाकर अपने खाते की जांच कराई तो 2,40,000 रुपए गायब मिले थे। इसके बाद उन्होंने चौरी चौरा पुलिस को तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने संचालक व उसके साथी को गिरफ्तार कर कंप्यूटर, प्रिंटर व अभिलेख जब्त कर लिया था। चौरी टोला सुगनी की रहने वाली परमी देवी ने बताया उनका एसबीआई में खाता है। उन्होंने अपना खाता डुमरी खुर्द स्थित ग्राहक सेवा केंद्र पर स्थानांतरित करा लिया था। सीएससी के संचालक विनय सिंह पैसा जमा करते और निकालते थे। बीते कुछ महीने से जब भी वो रकम निकालने जाती थी तो आरोपित संचालक व उसका साथी अंगूठे का निशान लेकर सर्वर खराब होने का बहाना बनाकर रुपए निकालने से इनकार कर देते थे। कई महीने बीतने पर जब उन्होंने बैंक जाकर जांच कराई तो खाते में जमा धनराशि में बिना उनकी जानकारी के 2,40,000 रुपए निकाले जाने की बात पता चली। परमी की तहरीर मिलने के बाद पुलिस आरोपितों के विरुद्ध धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर जांच कर रही थी कि 15 से अधिक अन्य लोगों ने भी खाते से धन निकासी की शिकायत की। पुलिस अन्य लोगों के मामले की जांच कर रही है।